जिला अस्पताल परिसर में एक सादा समारोह के दौरान नई एम्बुलेंस सेवा की एम्बुलेंस वाहन जिले के अलग अलग सामुदायिक केंद्र पर भेजे गए। हर विधानसभा स्तर पर एक एम्बुलेंस आवंटित की गई है। इसी के साथ हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एक एक एम्बुलेंस आवंटित हुई। जिला अस्पताल में विदिशा विधायक शशांक भार्गव, शमशाबाद विधायक, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, कलेक्टर उमा शंकर भार्गव, CMHO सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर और उनकी पूजा कर उनके गंतव्य तक रवाना किया गया। विदिशा कलेक्टर ने बताया कि नई एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं में और राहत मिलेगी। देखिए, इसमें आज जो हमको 13 एम्बुलेंस यहाँ पर आई हैं, कुल हमको 20 एम्बुलेंस मिली हैं, 13 आज आ गई हैं, बाकी 3-4 दिन में आ जाएंगी। हमने हर विधानसभा में जो हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर 2-2 एम्बुलेंस दी हैं। एक हमारी ALS है जो हमारी जिला अस्पताल में रखी हुई है, और जितने हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमने एक एक एम्बुलेंस वहाँ पर भी दी हुई है, और कुछ जगह जो हमारे हाईवे जैसे 11 है त्योदा एक एक हमने वहाँ भी दी हुई है। जो नई योजना चालू करी है और घायलों के लिए और दूर गाँव में जो एक्सीडेंट होते हैं उनके लिए, मुख्यमंत्री जी ने कल वहाँ से उद्घाटन किया था चंडी का और एक स्वाड और ALS का। हमारे ज़िले को इसमें 20 आवंटित हुई है, इसमें सभी 13 आई है, तो 13 को हमने यहाँ से रवानगी दी है, और जिसमें सब ड्राइवर नए हैं। पहले जो कंपनी थी उसकी बहुत शिकायतें आती थी, सर्विसेज में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी बहुत सारी, तो हम ये नई जो है कंपनी आई है, उम्मीद करते हैं हम इससे कि ये अच्छी सेवाएँ देंगी, और निकट भविष्य में हमने शासन से और मांगी है बहुत जल्दी हमको टोटल 27 मिलेंगी, ये जो 108 जननी और ALS। JSR टाइम्स के लिए विदिशा से अविनाश नामदेव की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।